हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक के मानसून केयर के बारे में। तो गाइस जैसे कि इंडिया के बहुत से एरिया में मानसून स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। तो गाइस अगर मैं सीधे सीधे वर्ड्स में बोलूँ तो पानी जो है ये बाइक का नंबर वन का दुश्मन है। पानी आपके बाइक में इतना ज़्यादा नुकसान कर सकता है कि आपने मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपने इतना नुकसान हो सकता है पानी से। तो गाइस चलिए उसी टॉपिक पर अभी डिस्कस करते हैं। तो गाइस बारिश में सबसे पहले आपने आपके बाइक का केयर करना है, वो करना है आपने आपकी जो बाइक है वो शेड में पार्क करनी है। बिकॉज कैसा होता है कि कंटिन्यूसली अगर बाइक पे पानी गिर रहा होगा तो आजकल क्या होता है कि बहुत सी बाइक्स जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत भर भर के दिए जाते हैं। तो गाइस उन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पानी चले जाएगा तो आपको पूरा वायरिंग का काम निकल सकता है, जिसमें हजारों का खर्चा आ सकता है। मेरी ये जो GSX S1000 है, इस बाइक की कीमत जो है वो ऑन रोड 16 लाख है, और इसके अगर वायरिंग का काम निकल जाता है तो आराम से 2-2.5 लाख रुपए उसमें निकल जाएंगे। तो गाइज मेक श्योर आप जो भी है आपकी बाइक शेड में पार्क करो या फिर कहीं ऐसी जगह पर पार्क करो जहाँ पर डायरेक्ट जो बारिश है वो बाइक पर ना गिरे, ताकि आपकी जो बाइक है उसका जो वायरिंग है वो ख़राब ना हो जाए। इसके पीछे का दूसरा रीज़न है वो है रस्ट। रस्ट जो है ये बाइक में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। चलो आजकल की बाइक्स में तो थोड़े से फाइबर के पार्ट्स आते हैं, थोड़े प्लास्टिक के पार्ट्स आते हैं, बट पहले की जो बाइक्स थी यानी कि बुलेट या फिर जो दूसरी बाइक्स थी उनमें मोस्टली लोहे के पार्ट्स रहते थे। वो पार्ट्स को जो है वो पानी लग लग के वो उनमें जल्दी से रस्ट चढ़ जाता था और उसकी लाइफ कम हो जाती थी। तो गाइज मेक श्योर आपकी बाइक जो है उसको डायरेक्ट आप बारिश के नीचे ना खड़ा करें, उससे आपके बाइक में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो गाइज अगर मैं तीसरा नुकसान बोलूँ बारिश के पानी का, तो वो है कलर को लेकर। आपने बहुत सारी कार देखी होगी जिनका जो कलर है वो फेड हुआ होता है, वो बारिश की वजह से होता है। अगर आपकी बाइक कंटिन्यूसली बारिश में रखते हो 2-3 महीने को, तो आपका जो बाइक का कलर है वो डल हो जाएगा। पानी जो है वो आपके बाइक के कलर के साथ में रिएक्शन करेगा और उससे आपका जो बाइक का कलर है वो 100% कम हो जाएगा। तो गाइज मेक श्योर आपकी जो बाइक है वो आप शेड में पार्क करो, या फिर आपको मैं दूसरा सॉल्यूशन बताऊँ तो उसके ऊपर आप कोई कवर डाल सकते हो। आप वाटरप्रूफ बाइक के कवर्स आते हैं वो डालो, उसकी वजह से एटलीस्ट आपकी बाइक जो है वो डायरेक्ट वाटर से बचेगी। उसकी वजह से ये जो रस्ट लगने का इशू है या फिर आपकी वायरिंग का इशू है या फिर आपका कलर फेड होने का इशू है वो नहीं रहेगा। तो गाइस दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके जो नट बोल्ट्स या फिर मूविंग पार्ट्स है बाइक के, उसको लेकर। आपने आपके बाइक के जो भी नट बोल्ट्स या फिर जो मूविंग पार्ट्स है जो ओपन होते हैं उन्हें आपने WD-40 या फिर और कोई जो सॉल्यूशन होता है वो लगाना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बाइक जो है वो रस्ट नहीं पकड़ेगी। आपने देखा होगा मेरे बाइक को यहाँ पर या फिर बहुत सारी जगह पर जो नट्स होते हैं, यहाँ पर होता है ये ना, नट्स खुले होते हैं, यहाँ पर WD-40 अप्लाई करना चाहिए ताकि बारिश में या फिर मॉइस्चर की वजह से आपके बाइक में जो है वो रस नहीं लगेगा। अगर रस लगता है तो वो तो आजू बाजू का भी जो मेटल है वो ख़राब करेगा, साथ ही में अगर किसी प्लास्टिक को वो कनेक्टेड है तो वहाँ का भी कलर निकाल देगा। तो गाइज अगर मैं तीसरे केयर की बात करूँ तो वो है कोल्ड स्टार्ट को लेकर या फिर मूविंग को लेकर। आपने आपकी जो बाइक है वो एक ही जगह पर खड़ी नहीं करना है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो टायर प्रेशर होता है वो एक ही जगह पर होता है, आपका जो टायर होता है वो एक ही जगह पर दबेगा और आगे जाकर वो आपका टायर जो होता है वो अनइवन हो जाएगा। तो गाइज मेक श्योर आप वीक में एक बार तो आपकी बाइक आगे पीछे करो या फिर दूसरी जगह पर पार्क करो, ताकि आपका जो टायर है वो एक ही जगह पर बेंड ना हो जाए और उसकी वजह से आपका जो टायर का जो अनइवननेस होता है वो स्टार्ट ना हो जाए। दूसरी चीज़ होती है आपके बाइक का जो इंजन है उसे आप कंटिन्यूसली ऑफ ना करो, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बाइक के जो बैटरी है वो डाउन हो सकती है। तो गाइज मेक श्योर आप हफ्ते में एक बार तो भी कोल्ड स्टार्ट करो आपकी बाइक को। उसकी वजह से एक तो आपका जो इंजन होता है वो लुब्रिकेट हो जाएगा, साथ ही में आपकी जो बाइक की बैटरी है वो चार्ज रहेगी, और अगर आपको कभी इमरजेंसी में बाइक निकालनी पड़ी तो आपकी जो बाइक है वो सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज अगर मैं नेक्स्ट केयर की बात करूँ तो आपने आपकी बाइक अगर आप बारिश में लेके जा रहे हो तो आपने घर पे आकर उसी टाइम पर नहीं, बट आपने नेक्स्ट डे तो भी आपकी जो बाइक है उसे आपने प्रॉपरली पानी से वॉश करके आपने साफ करना है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी बाइक गीली हो गई है या फिर अगर आपकी बाइक में नीचे से कीचड़ लगा है तो अगर आपने उसको साफ नहीं किया तो उसकी वजह से आपके बाइक में रस्ट लग सकता है, जो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेक श्योर आपके बाइक के जो मैक व्हील्स है या फिर नॉर्मल स्पोक्स है उसे आप प्रॉपरली कपड़े से साफ करो, ताकि उस पर रस्टिंग ना चढ़े। एक बार आपके बाइक में अगर आप रस्ट चढ़ गया तो आगे जाकर वो बहुत प्रॉब्लम देगा। तो गाइज ये थे कुछ मॉनसून को लेकर बाइक केयरिंग के टिप्स। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।